हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटेसी प्लेइंग 11 पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनबीए लीग में जो आज का मुकाबला होने वाला है GSW वर्सेज LAL के बीच, जो आज का बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट मैच होने वाला है। उस मैच के बारे में आपको वीडियो बताएंगे कि किस प्लेयर को आप पिक करके चले, किस को ड्रॉप कर चले, कौन सा प्लेयर आपके समोली के लिए, कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ ही साथ हम आपको इस मैच की ड्रीम टीम भी बनाकर दिखाएंगे और इस मैच के प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस प्लेयर को आप अपनी टीम में स्मॉल लीग में लेकर चले और कौन से प्लेयर को आपके लिए ग्रैंड लीग में बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो स्टेफन करी के बारे में बात करें तो आपको एक अच्छा खासा GSW की तरफ से एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में देखने को मिलेगा, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए पॉइंट गार्ड जरूर लेकर चलिएगा। स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, आपको हर टीम में इनको लेकर चलना हो दोस्तों, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है एज ए पॉइंट गार्ड के रूप में। आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल लीग में इनको जरूर लेकर चलिए। 2597 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर कर रखे हैं। अगर हम बात करें एंड्रयू विगिन्स के बारे में, तो एंड्रयू विगिन्स आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में देखने को मिलेगा, इनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिएगा। 1928 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर कर रखे हैं। अब हम बात करते हैं LAL की तरफ से किस प्लेयर को आप अपनी टीम में स्मॉल लीग में लेकर चले और कौन सा प्लेयर आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। लेबर्न के बारे में बात करें, लेबर्न जेम्स आपके पास एक अच्छा खासा बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। 2423 के लगभग इन्होंने इस लीग में पॉइंट कवर करके एज स्मॉल फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। और अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर रसल के बारे में। रसल वेस्ट ब्रुक आपको एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड के रूप में देखने को मिलेगा, इनको आप अपनी टीम में जे पॉइंट गार्ड जरूर लेकर चलिए दोस्तों, चाहे समोली टीम हो चाहे ग्रैंड लीग टीम हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अब हम बात करते हैं ग्रैंड लीग प्लेयर के बारे में। तो ग्रैंड लीग में आपके पास GSW की तरफ से एंड्रे आपको एक पास एक अच्छा खासा ऑप्शन होने वाला है। 445 के अलावा इन्होंने पॉइंट कवर कर रखे हैं, तो इनको आप अपनी सिर्फ ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए दोस्तों, इनको स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। हर मैच में लगभग 15 से 30 के बीच पॉइंट कवर करते हैं, तो आपके पास एक ठीक ठाक रिस्की प्लेयर है दोस्तों, इसलिए रिस्की प्लेयर को आप अपनी स्मॉल लीग से दूर ही रखें, तो आपके लिए अच्छा खासा फायदा होने वाला है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्लेयर के बारे में, क्ले थॉम्पसन के बारे में, जो कि 819 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर कर रखे हैं। हर मैच में लगभग 20 या 20 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में ग्रैंड लीग में लेकर चलिएगा दोस्तों, इनको स्मॉल लीग में बिल्कुल भी ट्राई मत कीजिए। रिस्की प्लेयर को आप अपनी स्मॉल लीग से दूर रखें, तो आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। LAL के बारे में बात करें, LAL की तरफ से कैंट बैरजोन मोरे आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिलेगा। 302 के लगभग इस लीग में पॉइंट कवर करके हर मैच में 15 से ऊपर पॉइंट कवर करते हैं, थोड़ी रिस्की जरूर है, लेकिन इनको आप अपनी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। डवाइट के होवार्ड के बारे में बात करें, तो 771 के लगभग पॉइंट कवर करके, तो आप अपनी ग्रैंड लीग में इनको जरूर लेकर चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन होने वाला है एज ए ग्रैंड लीग में, इनको जरूर लेकर चलेगा। अब हम बात करते हैं आगे हम प्लेयर के स्टेट्स के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम ड्रीम 11 प्रेडिक्शन से रिलेटेड हर रोज़ वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और फाइनल टीम के लिए आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको फाइनल टीम सिर्फ टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा सकते हैं, हम आपको यूट्यूब पर कोई भी टीम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, इसलिए आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर अभी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अब हम बात करते हैं की प्लेयर फॉर्म के बारे में, यानी कि इन प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिए। सबसे पहले GSW के बारे में बात करें, तो पॉइंट गार्ड के रूप में स्टेफन करी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, और जॉर्डन पुले आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड देने मिलेगा। एंड्रयू विगिन्स के बारे में बात करें, तो एज स्मॉल फॉरवर्ड लेकर चलेगा। ऑटो पोर्टर आपके पास एक अच्छा खासा पावर फॉरवर्ड होने वाले दोस्तों। केवन लूनी के बारे में बात करें, तो एज ए सेंटर इनको जरूर लेकर चलिएगा, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन 5 प्लेयर होने वाले दोस्तों, तो इनको आप अपनी टीम में GSW की तरफ से जरूर लेकर चलिएगा। LAL के बारे में बात करें, LAL में थोड़े ज़्यादा प्लेयर पिक करके चल सकते हैं दोस्तों, LAL के थोड़े विन करने के ज़्यादा वे चांस है, तो LAL को आप अपनी LAL में से थोड़े ज़्यादा प्लेयर लेकर चले, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं इनके की प्लेयर फॉर्म के बारे में। वेस्ट ब्रुक आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड देने में मिलेगा, इनको आप अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। मैनिक मलुक को अपनी टीम में एज ए शूटिंग गार्ड के रूप में लेकर चल सकते हैं। लेबर्न जेम्स के बारे में बात करते हैं, आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। कैमरा एंथनी के बारे में बात करते हैं, एज ए पावर फॉरवर्ड इनको जरूर लेकर चलिएगा। डेविस एंथनी के बारे में बात करें, तो एक अच्छा खासा सेंटर देखने को मिलेगा। डेविड होवार्ड भी आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर है, तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिएगा दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन होने वाले, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चलिएगा, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। तो हमने डिस्क्रिप्शन में विजन 11 का लिंक दे रखा है दोस्तों, आपने अभी तक विजन 11 डाउनलोड नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। विजन 11 को डाउनलोड क्यों करें, क्योंकि इसमें आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे विन कर सकते हैं, यानी कि एंट्री फीस कम है, विनिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी कम है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आप अभी विजन 11 को डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर हमने वहाँ पर हमारा
रेफर कोड भी दे रखा है, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलेगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपके बेस्ट परफॉर्मेंस प्लेयर के बारे में। तो स्टेफन करी जैसा कि आपको बताया था एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में 2597 के लगभग पॉइंट कवर करके 19 के लगभग इनका क्रेडिट है दोस्तों। जॉर्डन पुली के बारे में बात करें तो 1900 के लगभग पॉइंट कवर करके एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में GSW की तरफ से खेल लेते हैं। क्ले थॉम्सन के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में 819 के लगभग पॉइंट कवर करके। एंड्रयू विगिन्स के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 1928 के लगभग पॉइंट कवर करके इस लीग में। एंड्री के बारे में बात करें तो एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 445 पॉइंट कवर करके। अगर हम बात करते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस LAL की तरफ से तो आपके पास वेस्ट ब्रुक है, आपके पास एक अच्छा खासा पॉइंट गार्ड देखने को मिलेगा 2413 के लगभग इस लीग में पॉइंट कवर कर रखे हैं, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चले। मालिक मोंग आपके पास एक अच्छा खासा शूटिंग गार्ड देने में मिलेगा 1427 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर कर रखे हैं। होल्टन टक्कर के बारे में बात करें तो एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में इन्होंने 1022 पॉइंट कवर करके। लेब्रॉन जेम्स आपके पास एक अच्छा खासा स्मॉल फोर्ड देने में मिलेगा दोस्तों, इन्होंने 2423 के लगभग पॉइंट कवर करके। स्मॉल फोर्ड में इन्होंने 302 के लगभग पॉइंट कवर करके। तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में, दोनों प्लेयर में से हम आपको पांच पांच प्लेयर बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में बता दिए दोस्तों, इनको आप अपनी टीम में जरूर लेकर चल सकते हैं क्योंकि इस लीग में आज बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस में है। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो तीन प्लेयर आपके पास GSW की तरफ से और चार प्लेयर आपके पास LAL की तरफ से बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन रूप में होने वाले। तो LAL के थोड़े ज़्यादा चांस होने वाले दोस्तों, तो LAL में से थोड़े ज़्यादा प्लेयर पिक करके चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, यानी कि LAL ने पिछले भी कोई मैचों में विन किया है तो आप अपनी टीम में LAL में से एक दो ज़्यादा प्लेयर ज़्यादा पिक करके चल सकते हैं एक दो टीम में, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है, आपके पास एक अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है। स्टेफन करी जो कि GSW की तरफ से एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूप में जरूर लेकर चल सकते हैं, पॉइंट गार्ड के रूम में खेलते हैं। एंड्रयू विगिन्स एज ए GSW की तरफ से एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में खेलते हैं, इनको भी आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रूम में मौका दे सकते हैं। केविन लूने के बारे में बात करें एज ए सेंटर के रूम में GSW के की तरफ से खेलते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए सेंटर और एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में लेकर चलें तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं रेस्ट ब्रुक के बारे में जो कि LAL की तरफ से खेलते हैं, इनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन और एज ए पॉइंट गार्ड के रूम में जरूर लेकर चलेगा। मलिक मोंग के बारे में बात करें LAL की तरफ से एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में और इनको आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के रूम में जरूर मौका दे सकते हैं। लेब्रॉन जेम्स के बारे में बात करें तो स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में 2423 के लगभग पॉइंट कवर कर रखे हैं, तो इनको आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर चले तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। एंथनी डेविस के बारे में बात करें तो LAL की तरफ से एज ए सेंटर रूम में खेलते हैं, 1752 के लगभग इन्होंने पॉइंट कवर करके, तो इनको आप यह प्लेयर को आप अपनी टीम में दोस्तों सात प्लेयर में से आप अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन लेकर चले, चाहे जितनी भी टीम बनाए, चाहे स्मॉल लीग की टीम बनाए या ग्रैंड लीग की टीम बनाए, छः बनाए, सात बनाए, आठ बनाए, जितनी भी टीम बनाए, तो इन्हीं प्लेयर को आप अपनी टीम में एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन लेकर चलिए दोस्तों। स्क्वाड के बारे में बात करें तो हम अगर हर एक प्लेयर का नाम बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो पॉज करके स्क्वाड को जरूर देख ले दोस्तों, क्योंकि इनमें से आपके प्लेइंग एट होने वाले। ये हमने हमारी तरफ से दोस्तों पॉसिबल प्लेइंग एट टीम बनाई है, तो यानी कि यह प्लेयर आज हमारे हिसाब से खेलने वाले, तो उस हिसाब से आप अपनी टीम पिक करके चले दोस्तों। बाकी हम आपको लाइनअप आने के बाद टीम प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में, तो आज आप अपनी टीम में पॉइंट गार्ड के रूम में वेस्ट ब्रुक और पैटर्न को जरूर लेकर चलिए दोस्तों। LAL की तरफ से वेस्ट ब्रुक और पैटर्न GSW की तरफ से आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। शूटिंग गार्ड के बारे में बात करें जे पुले और मोंक आपके पास बेस्ट ऑप्शन एज ए शूटिंग गार्ड के रूम में होने वाले। स्मार्ट फॉरवर्ड के बारे में बात करें विगिन्स जैसा कि आपको वीडियो में बताया था और जेम्स आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले। विगिन्स को हम अपनी पहली टीम में एज ए स्मॉल फॉरवर्ड के रूम में लेकर चलने वाले हैं। पावर फॉरवर्ड के बारे में बात करें एंथनी और कुमिंगा आपके पास एक अच्छा खासा ठीक ठाक ऑप्शन होने वाले। पोर्टर को भी मौका दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर के बारे में, तो डेविस आपके पास बेस्ट ऑप्शन है जे सेंटर रूम में। लूने भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन होने वाले, तो इन प्लेयर को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें तो कैप्टन आप अपनी टीम में डेविस को मौका दे सकते हैं और वाइस कैप्टन आप अपनी टीम में जे पुले को लेकर चलें तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेट होकर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, और आपने विजन 11 डाउनलोड नहीं किया तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जाकर विजन 11 को भी डाउनलोड करें। कम पैसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसे आपको सिर्फ विजन 11 ही दे सकते हैं। ड्रीम 11 से कम उसमें एंट्री फीस है, ज़्यादा प्राइस है, कॉम्पिटिशन भी कम है, तो अभी विजन 11 को डाउनलोड करें और हमारा रेफर कोड यूज करके आपको एक अच्छा खासा बोनस भी मिलने वाला है।